पितृ विसर्जन पर गंगा घाटों पर लोगों ने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म और तर्पण कर उन्हें विदाई दी। अपने पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध कर्म और तर्पण के 15 दिवसीय पखवाड़े का बुधवार को समापन हुआ। इस दौरान काशी के गंगा घाटों से लेकर पिशाच मोचन कुंड पर पिंडदान श्राद्ध कर्म करने वालों की भीड़ रही। काशी मोक्ष की नगरी कही जाती है। पिशाच मोचन कुंड की मान्यता है कि यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए पितृपक्ष के दिनों में पिशाच मोचन कुंड पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। श्राद्ध की इस विधि और पिशाच मोचन तीर्थ स्थली का वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। आज भाद्रपद अमावस्या तिथि पर इस 15 दिवसीय पखवाड़े का समापन हुआ, जिसे पितृ विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन काफी संख्या में लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति हेतु घाटों पर पहुंचकर श्राद्ध कर्म करते हैं, साथ ही पिंडदान और तर्पण किया जाता है। मोक्ष नगरी काशी में भोर से ही लोगों के घाटों पर पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया और देखते ही देखते घाट की सीढ़ियां लोगों से पट गईं और जगह जगह पर लोग पिंडदान तर्पण करते दिखाई दिए, साथ ही श्राद्ध कर्म करते हुए अपने पितरों से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। अब जितना सामान है सब गिराइए पिंडा को। आज क्या किया जा रहा है? आज पितरों के नाम से काशी में पिंडदान हो रहा है। ये घाट पर देख रहे हैं जितने यात्री आए हैं, वो यात्री आज गंगा घाट पर अपने पितरों के नाम से पिंडदान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं पिता आत्मा की शांति के लिए। आज का दिन आखिरी दिन है, अमावस्या आज है पितरपट का, इसके बाद पिंडदान पितरों के नाम से तिथि पर लोग करते हैं। मगर जो पितृपक्ष होता है वो साल में 15 दिन के लिए आता है और आज आखिरी दिन है, अमावस्या है। आज के बाद पितृगण अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर जाएंगे।